हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं तिलों की बढ़ती समस्या के कारण और निवारण। और गर्मियां आने वाली हैं तो धूप का पारा बहुत बढ़ने वाला है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ बता दूं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं जो मुझे पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो छोटे छोटे काले और भूरे रंग के जो नाक और गाल पे निशान होते हैं वो होते क्यों हैं और उनको कहते क्या हैं। तो उनको कहते हैं बटरफ्लाई स्पॉट्स और कहते हैं उनको हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या कुछ लोगों को होती है, जिनके चेहरे पे कई तरह के निशान होते हैं। हल्के भूरे रंग के होते हैं, गहरे निशान काले रंग के होते हैं और गुच्छों में भी होते हैं, नाक और गालों पे देखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये निशान होते क्यों हैं। ये निशान होते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि धूप के सीधे संपर्क में आने से हमारी त्वचा पे ये निशान पड़ जाते हैं। और दूसरा कारण है कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ये निशान आते हैं हमारे चेहरे पे। और थर्ड, जो सबसे बड़ा और लेटेस्ट कारण बताया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का यूज़ करने लगी हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं कि उन महिलाओं पे भी ये निशान देखे जाते हैं। तो जो और ये भी देखा गया है कि जो जिनकी जो कलर फेयर होता है ज़्यादा, जो गोरे लोग होते हैं उन पे ये निशान बहुत आसानी से पड़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है कि आप अगर इससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका मात्र एक इलाज है, वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट में 2 से 3 सेटिंग्स के बाद आपके चेहरे के सारे तिल और जो डार्क स्पॉट्स हैं वो सारे मिट जाएंगे। और कुछ बहुत महंगी क्रीमें भी आती हैं मार्केट में, उनको यूज़ करके भी आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। और फिर बात करेंगे कि इनसे बचाव कैसे हो। बचाव ऐसे होगा कि जब आप धूप में जाइए तो 25 SPF और 30 SPF की सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। और कुछ घरेलू उपाय हैं जो जिससे आप थोड़े से डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हैं अपने। तो मैं आपको बताऊंगी घरेलू पैक अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।